वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल थ्योरी आने लगी। आपने देखा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है, टेक्निकली वर्ड ज्यादा यूज किए, थ्योरी के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। भाई अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है ना, तो सबसे बेस्ट सही बुक को परचेस करना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इसके जो है डुप्लीकेट बहुत सारे जो है वॉल्यूम चलते हैं। तो मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो भाई यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बेस्ट बुक कौन सी है भाई एग्रीकल्चर की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट बुक्स एग्रीकल्चर की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कौन कौन सी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी के लिए कौन सी बेस्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी बेस्ट है, तो ऑल डिटेल्स में आपसे बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी डाउट हो अपने कमेंट में जरूर यहाँ पे पूछ लेना, आपको ऑल एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। और आपको पर्सनली मैं बता दूं, मैंने सभी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम आप वहां पे भी ऐड हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर की जानकारी लेटेस्ट जानकारी वहां पे मैं डालता रहता हूं, तो वहां पे जरूर ऐड हो जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक जानकारी एग्री जर्नी पर आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहती है। चलिए फिर, तो नंबर 5 पर जो आपकी बुक आती है आप यहाँ पे देख सकते हो, आरके शर्मा की बुक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट किसकी थ्योरी के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है आपकी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी, JRF, ICAR या स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल में 2022-23 में मैं आपके क्वेश्चन का लेवल पूरा पैटर्न एग्जाम का चेंज हो गया, भले वो स्टेट एग्जाम हो या आपका जो है सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, सभी की यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया है। तो आरके शर्मा की बुक बेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर जो है परचेस कर लेना। तो भाई नंबर 4 पर आती है आपकी SR कांडवा, जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। ये थ्योरी के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। भाई अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है ना, तो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। मैं टॉप 5 बुक आपको बता रहा हूं, इनमें से आप कोई भी परचेस कर सकते हो। भाई फालतू की बुक बिल्कुल भी परचेस मत करना, आपको जो है मिल जाएगी बहुत सारी ऑनलाइन, तो सही और सटीक बुक जो है परचेस करना, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए थ्योरी बहुत मायने रखती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपकी SR कांडवा बहुत बेस्ट बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेस कर लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के इसमें देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3 की अगर आपसे बात करूं, तो नंबर 3 पे आती है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। ये भी बहुत बेस्ट बुक है, आपको इसमें सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे आपकी एग्रोनॉमी ऑल डिटेल्स में, एरिगेशन, सोइल, थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो बहुत बेस्ट बुक है ऑल डिटेल्स में पढ़ने के लिए, हमेशा आपको काम आएगी। आपकी यहाँ पे स्टेट लेवल के एग्जाम से लेकर आपको जो है आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उसमें भी ये बुक काम आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस बुक की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। नंबर 2 पे जो आपकी बुक आती है आप सभी को पता है, अरुण कात्यानी, बेस्ट बुक है भाई अरुण कात्यानी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार जरूर आप इसको रीड कीजिएगा। मैं आपको पर्सनली यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बुक्स को रीड किया हुआ है, बहुत इंपोर्टेंट बुक्स है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों वॉल्यूम को आप मंगाना, ठीक है। इसमें आपको फंडामेंटल्स एग्रीकल्चर आपकी हॉर्टिकल्चर वगैरह सारी चीजें आपको इस बुक्स में देखने को मिल जाएगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ठीक है। इसमें सबसे इंपोर्टेंट थ्योरी के लिए बहुत बेस्ट, एकदम मतलब सटीक तरीके से थ्योरी मेंशन की गई है ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि किस कोई टीचर मेरे को पढ़ा रहा है, इतनी सटीक और इजी वे में जो है यहाँ पे थ्योरी दी गई है। फंडामेंटल्स जो आपकी बुक्स है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है, इनको परचेस कर लेना, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो नंबर 1 की आपसे बात करते हैं, तो भाई नंबर 1 पर आपकी आती है नेमराज सुंडा। सबसे बेस्ट बुक आपकी नेमराज सुंडा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सही बुक को परचेस करना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इसके जो है डुप्लीकेट बहुत सारे जो है वॉल्यूम चलते हैं, तो जो ओरिजिनल बुक्स हो उसको परचेस करना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट और क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वन लाइनर फैक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि इसको बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है। सबसे बेस्ट बुक है क्वेश्चन के लिए, थ्योरी एकदम सटीक दी हुई है। जैसे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थ्योरी आती ना, उसी टाइप से आपकी थ्योरी जो है इसमें मेंशन की गई है, क्वेश्चन भी उसी टाइप से दिए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यू बुक को परचेस करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो आपकी न्यू बुक हो मार्केट में उसको परचेस करना। इसके ऑलरेडी ओल्ड वॉल्यूम भी मार्केट में चल रहे हैं, तो न्यू जो है
डाटाबेस जो आपको बुक मिले मार्केट में उसको परचेज करना, सभी की लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। ये 5 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इनको जरूर परचेज कर लेना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट ऑलरेडी पूछा हुआ था कि सर बेस्ट बुक बताओ भाई कौन सी होगी आपकी एग्रीकल्चर के, अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। भले आप सभी को पता है आईसीआर एमपीपीएटी जेआरएफ ऑलरेडी एग्जाम्स में आपके नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आने लगे, थ्योरी भी आपकी बहुत थोड़ा नेक्स्ट लेवल थ्योरी आने लगी। आपने देखा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है, टेक्निकली वर्ड ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो उन टेक्निकल वर्ड्स के यूज के लिए आपको ये बुक बहुत अच्छी है, परचेस कर लेना, ठीक है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कोई भी डाउट हो मैंने आपको बताया बिल्कुल बेझिझक अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। बाकी मेरे ऑलरेडी सोशल मीडिया के लिंक्स भी है तो वहां पे भी आप ऐड हो सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।